हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो 28 जुलाई से एन अकेडमी पर काफी सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं काफी सारे एडुकेटर्स के. आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हो. काफी कुछ आपको वहां पर मिलने वाला है. काफी सारे नए बैचेस हर ऑल्टरनेट वेडनेसडे को काफी सारे बैचेस लॉन्च होते हैं अन अकेडमी पर. टॉप एडुकेटर्स अन अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे. तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं बैंक एग्जाम की तो आज ही अन अकेडमी को ज्वाइन करिए. क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर आप लोगों को. सो बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप SBI हो, IBPS हो, RRB हो, क्लर्क हो, PO हो, सभी के लिए काफी कुछ है. 70+ एडुकेटर्स हैं. 40,000 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाए. अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा. 98% बैंक एस्पिरेंट्स का भरोसा है. कौन कौन एडुकेटर हैं इनके अलावा भी काफी सारे एडुकेटर्स हैं जो कि यहाँ पे कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. SBI क्लर्क के लिए भी बैच चल रहा है जहां पर आपको कौन कौन से एडुकेटर होने वाले हैं ये भी आपके स्क्रीन पर है. क्या क्या आपको मिलने वाला है ये भी यहाँ पर बता दिया गया है. इसके बाद अगर आप IBPS क्लर्क के लिए कर रहे हैं पढ़ाई तो आप AVP टीम को ज्वाइन कर सकते हो. इनका भी बैच 28 से ही स्टार्ट हो रहा है. इसके अलावा रन विजय बैच है जो कि CET के लिए होने वाला है. आपका मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से हमारा CET भी आ जाएगा. तो आप CET की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर से आप अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अभी से अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा. इसके बाद अदर स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैचेस हैं जहां पर SBI PO को टारगेट किया गया है. एक्सीलरेटर बैच है आपका SBI क्लर्क के लिए, रन विजय बैच है आपका CET के लिए, फाउंडेशन बैच SBI के लिए जहां पर मेरा भी क्लास चल रहा है तो आप लोग वहां पर मुझे भी ज्वाइन कर सकते हो लाइव एवरीडे एट 9:30 AM सुबह 9:30 बजे. गुरुकुल बैच चल रहा है IBPS के लिए, इंश्योरेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट AVP टीम्स की तरफ से और भी बैचेस हैं अगर चाहते हो आप. IBPS क्लर्क के लिए भी बैचेस चल रहे हैं तो आप देख सकते हो. अकेडमी ने पूरे तरीके से एक आप बोल सकते हो हर एक एग्जाम को फोकस किया है और हर एक एग्जाम के लिए आपको जो भी ठीक लगता है या फिर जिस भी लैंग्वेज में ठीक लगता है आप उस लैंग्वेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो आप टारगेट SBI क्लर्क 2021 एग्जाम इंग्लिश मीडियम वाली बैच ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा भी अदर अदर लैंग्वेजेस में उपलब्ध हैं, आपको क्लासेस मिल जाएंगे. साथ ही अन अकेडमी पर कॉम्बैट एग्जाम होता है, कॉम्बैट जहां पर आपको काफी सारे वाउचर्स वगैरह काफी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने के मौके मिल सकते हैं. क्या होता है कॉम्बैट? कॉम्बैट आपका एक तरीके से टेस्ट होता है जहां पर 36 क्वेश्चंस होंगे एंड आपको टाइम मिलेगा 15 सेकंड्स का. 15 सेकंड्स में आपको 50 मिनट्स में आपको 36 क्वेश्चंस करने हैं. प्राइजेस के तौर पे क्या क्या मिलने वाला है? फर्स्ट प्राइज है एप्पल iPad मिनी, सेकंड प्राइज है एक ईयरपॉड और थर्ड है आपको JBL का स्पीकर. अगर आपसे कोई भी इन्विटेशन का अगर कोड मांगता है आप वहां पर Nivya-6721 कोड यूज करके उसे अनलॉक कर सकते हो. फ्री का टेस्ट आप दे सकते हैं, कुछ भी आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे अलग से कुछ भी करने की. राइट, ओके. सो अगर आप चाहते हैं कि आप बैंक के साथ साथ SSC की भी तैयारी करें तो अनअकैडमी के पास में इसके लिए भी आपके लिए ऑफर है. आप बैंक और SSC का कॉम्बो परचेस कर सकते हो. 7999 में एक साल का मिल जाएगा आपको और 9999 में आपको दो साल का मिल जाएगा. सेम अगर आप यहाँ पर Nivya-6721 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको अगेन डिस्काउंट मिल जाएगा इनके अलावा. ओके, सो RBI और NABARD के लिए भी स्पेशल कॉम्बो ऑफर है. 75% ऑफ दिया जा रहा है. 6 मंथ के लिए आपको कितने पे करने हैं, 12 मंथ के लिए कितना है और 24 मंथ के लिए, सभी कुछ आपकी स्क्रीन पर है. लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है. 28 जुलाई को शायद आपके प्राइसेस हाइक हो सकते हैं. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया है प्राइसेस कभी भी हाइक हो सकता है. कब हाइक होगा मुझे नहीं पता है. अनअकैडमी ने बस ये बताया है कि प्राइसेस हाइक होंगे. सो जल्दी से ले लीजिए प्राइसेस हाइक होने के पहले ही. सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू बिंग बैंकर विद निव्या. माई नेम इज निव्या भुवन और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं शेड्यूलिंग पजल्स के बारे में. काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, काफ़ी आपके मेंस एग्जाम्स में काफ़ी कुछ इससे रिलेटेड भी आता है. सो चलिए फिर आज सीखते हैं कि शेड्यूलिंग पजल्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं जिसमें से आपके 5 मार्क्स तो प्रिलिम्स में पक्के हैं और इसी के साथ मेंस में भी इस क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. पार्ट 9 है हमारा. अगर आपने अभी तक पार्ट 8 नहीं देखा है प्रीवियस तो उन सभी 8 पार्ट्स को ज़रूर से देख लीजिएगा. और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए. सो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. 7 employees हैं यहाँ पर और वो कोई एक इंस्टीट्यूट को विजिट करते हैं सप्ताह के 4 दिन, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ओके, सो 4 आपके डेज हैं एंड आपके 7 employees हैं. सो दैट मीन्स आपके 2 ईच होंगे. आई गेस एक कोई को छोड़ देंगे. आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं. एटलीस्ट 1 employee बट नॉट मोर देन 2. येस, कम से कम एक लेकिन 2 से ज़्यादा विजिट नहीं करेगा. सो हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? हम लोग वीक से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन सा एक वीक खाली जाएगा. तो हम लोग नेम से ही स्टार्ट करते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ओके, सो सबसे पहले मैं सभी का नाम लिख लेती हूँ. सो नीलम, ज्योति, वर्तिका, नेक्स्ट इज पूनम, पायल, आरती एंड लास्ट वन इज कंचन. ओके, सो मैंने ये सभी का नाम एक जगह पर लिख लिया है. आगे देखती हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन. फाइन,
सो ईच ऑफ देम इज़ वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस. फाइन, नीलम विजिट ऑन सैटरडे. तो सबसे पहले ना वो लिख लीजिए जो भी हमारा कन्फर्म हो. सो नीलम कब गई है? नीलम विजिटेड ऑन सैटरडे. तो नीलम के सामने में हम लोग यहाँ पर सैटरडे लिख देते हैं विद इंग्लिश ट्रांसलेटर. सो नीलम के साथ, नीलम इंग्लिश ट्रांसलेटर के साथ गई है. अभी इंग्लिश ट्रांसलेटर जो होगा उसे भी हम लोग सेम सैटरडे ही देंगे, बट कौन होगा नहीं पता. सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ करेंगे. इंग्लिश ट्रांसलेटर के सामने में इंग्लिश जो भी होगा आपका इंग्लिश ट्रांसलेटर, वो भी आपका सैटरडे को ही जाएगा. नाउ सैटरडे को इन दोनों के अलावा और कोई नहीं जाने वाला है क्योंकि नॉट मोर देन टू है. आगे, द कॉन्टेंट मैनेजर डज नॉट विजिट ऑन संडे. कॉन्टेंट मैनेजर को संडे को नहीं भेजिएगा. सो कॉन्टेंट मैनेजर संडे को नहीं जाएगा विद नॉर विद ज्योति एंड आरती. ज्योति और आरती के साथ भी नहीं जाएगा, ज्योति या फिर आरती के साथ भी नहीं भेजिएगा कॉन्टेंट मैनेजर को. नेक्स्ट, कॉन्टेंट राइटर वर्तिका विजिट अलोन ऑन वेडनसडे. वर्तिका जो है वो है कॉन्टेंट राइटर. सो वर्तिका के सामने लिख दीजिए कॉन्टेंट राइटर, और ये अकेले गई थी वेडनसडे को. इनके अलावा वेडनसडे को और कोई नहीं जाएगा. नेक्स्ट, ओके, पूनम विजिट्स ऑन फ्राइडे. पूनम को सबसे पहले तो आप फ्राइडे दे दीजिए. पूनम विजिट्स ऑन फ्राइडे एंड शी इज़ नॉट अ कॉन्टेंट मैनेजर. सो पूनम कॉन्टेंट मैनेजर नहीं होगी, ठीक है. आगे, पायल विजिट्स ऑन फ्राइडे. पायल भी फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा लॉक हो चुका है. आरती इज़ नॉट इंग्लिश ट्रांसलेटर. सो आरती को आप इंग्लिश ट्रांसलेटर नहीं दीजिएगा. नेक्स्ट, द कॉन्टेंट मैनेजर विजिट विद काउंसलर. सो कॉन्टेंट मैनेजर जो होंगी, जो भी आपकी जा रही हैं, वो काउंसलर के साथ जाएंगी. सो कॉन्टेंट मैनेजर जो होंगी वो जाएंगी आपके काउंसलर के साथ में. सो हमने ये लिख लिया है. आगे, एच आर विजिट्स ऑन सैटरडे. जो एच आर होंगे वो जाएगा सैटरडे को. ओके, सो एच आर इज इक्वल्स टू सैटरडे. एक चीज़ हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो इंग्लिश ट्रांसलेटर होगा वो जाएगा सैटरडे को, और एक और सैटरडे हमारे साथ में है. तो क्या आप समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? हु इज़ एच आर? एच आर तो हुआ ये वाला, क्योंकि यहाँ पर सैटरडे ऑलरेडी है और एक जो बनेगा सैटरडे का वो होगा इंग्लिश ट्रांसलेटर का. तो सैटरडे का हमारा फिक्स हो चुका है, सिर्फ ये ढूंढना है कि कौन है ये इंग्लिश ट्रांसलेटर. आगे, कंचन इज़ नीदर हिंदी ट्रांसलेटर नॉट इंग्लिश ट्रांसलेटर. सो कंचन को आप, कंचन इज नॉट हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटर. सो कंचन इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेटर नहीं है. सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में. अभी अगर आप चीज़ों को अगर अच्छे से देखेंगे तो देखिए, हमारे पास जो चार हफ्ता दिया, चार हफ्ते का जो दिन दिया था यहाँ पर, वेडनसडे फ्राइडे सैटरडे संडे. सो यहाँ पर वेडनसडे को एक अकेला आदमी जाएगा ये गिवन था, तो वेडनसडे को तो कट कर दीजिए. सैटरडे हमारा ऑलरेडी दो हो चुका है, हमें सिर्फ एक ढूंढना है कि कौन होगा. फ्राइडे ऑलरेडी मेरा दो बैठ चुका है, करेक्ट, फ्राइडे को दो हो चुका है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंटेंट मैन इंग्लिश ट्रांसलेटर आपका जाएगा सैटरडे को, तो हमारा फिर संडे के लिए बचा कौन कौन सा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो संडे के लिए मेरे पास बचा है हिंदी ट्रांसलेटर और मार्केटिंग मैनेजर. ये दो आपका जाएगा संडे को. नाउ इनमें से अभी कौन कौन है? कॉन्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए ना तो संडे जाएगा, ओके, ना तो ज्योति, ना आरती, ना पूनम. तो फिर कॉन्टेंट मैनेजर के लिए हमारे पास बची कौन? हमारे पास सिर्फ बची पायल. तो पायल को आप दे दीजिए कंटेंट मैनेजर. सो कंटेंट मैनेजर इज पायल. ओके, डन. कंटेंट मैनेजर हमारा डन हो गया है. सो अगेन, यहाँ पर जो आपकी मैनेजर थी वो काउंसलर के साथ जाएगी. सो इसका क्या मतलब है? मैनेजर अगर गई है फ्राइडे को पायल, तो काउंसलर भी तो फ्राइडे को जाएगी, और काउंसलर हमारा पता है हमारे पास एक और फ्राइडे ऑलरेडी है. सो काउंसलर भी चली गई फ्राइडे को. एच आर जाना है सैटरडे, हमने कर दिया है. कंचन ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश ट्रांसलेटर है, तो अगर आप यहाँ पे एलिमिनेट करोगे तो एच आर हमारा ऑलरेडी हो चुका है. हमारा कंटेंट राइटर भी हमारा हो गया है, काउंसलर हो गया है, कंटेंट मैनेजर हो गया है. कंचन के लिए बोल रहा है कि वो हिंदी ट्रांसलेटर इंग्लिश ट्रांसलेटर नहीं होगी, तो कंचन के लिए सिर्फ एक ही बची, वो है मार्केटिंग मैनेजर. सो कंचन को आप मार्केटिंग मैनेजर दे दीजिए. मार्केटिंग मैनेजर हो गई आपकी कंचन. नाउ नेक्स्ट इज आरती. नाउ आरती के लिए बोला था कि आरती आपकी इंग्लिश ट्रांसलेटर नहीं होगी, तो आरती को हम क्या हिंदी ट्रांसलेटर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. सो हमने आरती को बना दिया हिंदी ट्रांसलेटर, और ज्योति हमारी हो गई इंग्लिश ट्रांसलेटर.
डन. अभी हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि कौन सा डे डे जाएगा. सो इंग्लिश ट्रांसलेटर के लिए कहा था सैटरडे, तो सैटरडे दे देते हैं हम लोग ज्योति को. संडे बच गया है सिर्फ हमारे पास, तो लास्ट का ये जो ये दोनों होगा वो होगा संडे. और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व. काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगाई हमने. हमने सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन था वो लिखा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, देन हम गए कंडीशंस पे, कंडीशन को नोट डाउन किया. उसके बाद हम लोगों ने इस पज़ल में एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ किया. आप चीज़ों को कट करते जाइए जो जो आपका हो चुका है, और लास्ट में जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाता है. इसी सेम तरीके से ये रहा आपका होमवर्क जो आप लोगों को कंप्लीट करना है. आज 11 बजे के पहले रात तक आप मुझे इसके आंसर्स टेलीग्राम पर ज़रूर भेज दीजिएगा. टेलीग्राम के लिंक गिवन है, आप चाहें तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय एंड टेक केयर.